इस लिटिल फ्लावर विद्यालय के क्रियापुर के सारे प्रिंसिपल साहब, स्टाफ, हमारे मित्र और हमारे बड़े भाई, छोटे भाई आए हुए सारे दादा दादी और गार्जियन, प्यारे बच्चों, इस विद्यालय की पहली व्यवस्था देखने के बाद मन अति प्रसन्न हो गया। लेकिन किसी विद्यालय की चलाने की परंपरा जो है उसकी व्यवस्थाएं भी भिन्न है। इस विद्यालय को देखने से ऐसा लगा इस विद्यालय का प्रबंधन बहुत ही अति उत्तम है। विद्यालय में मैं इस विद्यालय के अध्यापकों को साधुवाद देता हूँ, इस विद्यालय परिवार को देता हूँ और इस विद्यालय की ये गतिविधियों का ही देन है कि यह विद्यालय उत्तर उत्तर यही नहीं कई जगहों पर उन्नति की तरफ बढ़ रहा है। ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि इस विद्यालय की जितने भी बच्चे हो, जो भी बच्चे निकले वो अति सुंदर निकले, देश के एक अच्छे नागरिक बन के निकले, अच्छे अच्छे पदों पर जाए, यही हमारी समय कामना है। मुझे बहुत छोटी सी घटना याद आती है, हमें गुरुजनों से यह जरूर अनुरोध करूंगा इस विद्यालय में जितने भी आपके बच्चे आते हैं, आपके पास आते हैं, हम बड़ी उम्मीदों के साथ भेजते हैं, या इस तरह के बच्चे आ रहे हैं आपके यहाँ जो एक कुम्हार कहता है, जो कहते हैं कि चाक पर मिट्टी का गोला रख करके उनसे तरह तरह के बर्तन बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, या बच्चे वही मिट्टी है, आप इनको जैसा करेंगे ईश्वर उनमें उन्नति वैसा ही देंगे। इसलिए आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन बच्चों को अच्छी तरीके से और शिक्षा दें। एक गुरु का दायित्व क्या है मैंने बचपन में देखा है। एक घटना बताऊं आपसे, मैं गांव सेवाई का रहने वाला हूँ, हमारे लोग पोते पढ़ते हैं इसमें, एक हम लोग के हमको ही पढ़ाए थे बचपन में नर्सरी में, तो पैसठी विद्यालय में नर्सरी का था, आपको खुद जानते हैं, उनका नाम था पंडित काशीनाथ मिश्र। वो बचपन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय माननीय श्री चंद्रशेखर जी को इसी इब्राहिम पट्टी गांव में पढ़ाए थे। हमने देखा कि वो अपने गांव में बुजुर्ग हो गए थे, रिटायर हो गए थे, आंख से दिखाई भी नहीं देती थी। उस समय माननीय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे और बिथरा रोड से इब्राहिम पट्टी की जब उनकी यात्रा में आने वाली थी, उनको ज्ञान हुआ, वो अपने ट्यूबवेल पर खड़े थे। जब वो खड़े थे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, हमारे गांव के लोगों ने भी उनको एक व्यवस्था बनाया ताकि उनको रोकेंगे, लोग सब करवाएंगे, सब कुछ कराएंगे, लेकिन हमारे पंडित जी सीधे खड़े हुए थे। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा, चंद्रशेखर जी ने देखा तो गाड़ी अपना कपड़ा रुकवाया, उनका पैर छुआ, जो मैंने उनकी बुरी आंखों में तेज देखा, अजय गुरु को संतोष देखा। हम आपसे भी वही उम्मीद करते हैं कि प्रभु आपको भी वही उम्मीद है, आप इस उम्मीद को देखने के लिए जिंदा रहे, सब ठीक रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः जितने भी इस विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमारे सब पोते पोती हैं, हम आप विद्यालयों को पुनः साधुवाद देते हैं और पुनः आपके तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस विद्यालय में जितने भी पढ़ रहे हैं बच्चे वो उत्तर उत्तर तरक्की करें और उस विद्यालय को दिन दुरा रात चौगुना बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आपके प्यारे आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दादाजी।